आफ्टरनून गाइस, हाउ आर यू? आज मैं थोड़ा प्रोटेक्टिव बन के आया हूँ क्योंकि आंखों में धुआं जाता है, यहाँ मेरा पतीला भर गया है। तो गाइस आज काम शुरू करेंगे ऐसे करके। आज हम बनाने लगे हैं गाइस, बनाने लगे हैं हम पीढ़ियां, इसको जिसको हमें इंग्लिश में कहना पड़ता है फिंगर लेडी। गाइस कैसे हैं आप सब लोग? गाइस कुछ बोलेंगे? गाइस आज मैं थोड़ा, मेरे को इग्नोर करना क्योंकि आज मैं थोड़ा सिस्टम या टाइट किया हुआ है। गाइस ये होती है हैंग, आपको पता है, एस्केट वीडियो पे टिको, पता नहीं क्या पे टिको टिको। गाइस हैंग भी डाल दिया बढ़िया तरीके से। तो गाइस ये देखो क्या चल रहा है यहाँ। गाइस ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो मेरा स्पेक्टुला कहाँ है? गाइस जो स्पेक्टुला और ये है ना, इन दोनों का आपस में बहुत प्रेम है। स्पेक्टुला इसके बिना रह नहीं सकता, इस करके स्पेक्टुला को इसके साथ रखना पड़ता है। गाइस अब पाएंगे मिसिस भिंडी, मिसिस भिंडी, ओके। गाइस इसमें ऐसे करके कर देंगे अब। गाइस अब आप देखना, गाइस मुझे एमरजेंसी जाना पड़ रहा है, मेरी आंखों में जैसे ही मैंने मसाला डाला मेरी आंखों में पाप आ गई। गाइस मुझे दिसना बंद हो गया। गाइस मुझे अब चश्मा उतारना पड़ेगा। गाइस ये तो बहुत ज्यादा मुश्किल वाला काम है, मेरा मसाला फट गया। गाइस ये बहुत ज्यादा मुश्किल काम हो चुका है। आज बनेगी भिंडियां करांगे ओके करके अपना। इसको अलग करके भी रखना है अभी, फिर उसके बाद जो काम होगा। क्या आई मिसेस भिंडी और ओके। तो गाइस आज हम ये वाला अपना प्यूरी भी यूज करेंगे। गाइस प्री वर्कआउट भी यूज करेंगे भाई। नहीं आज दही नहीं पावांगे थोड़ा। आज भिंडी मसाला इज इक्वल टू ओके जोमैटो 4.5। तो गाइस ये भिंडियां तैयार हो रही हैं। गाइस क्या हाल है तुम्हारे, क्या चल रहा है जिंदगी में? गाइस इतने ये पानी क्यों छोड़ रही है? लेडीज है ये, लेडीज फिंगर। गाइस इसमें ऐसे पेस्ट पेस्ट जैसा क्यों आ रहा है? गाइस मुझे आज भूख भी बहुत लग रही है। आज मैं पूरा गाइस आज बनाएंगे भिंडियां क्योंकि ग्रीस खाए बहुत दिन हो गए थे। गाइस आज बनावांगे भिंडियां बिल्कुल पिंड स्टाइल, एंड मैं मेरा छोटे अभी भी जो पटे पाट रही हो मेरा। गाइस ऐसे करके इसको भून लेना है ओके करके। जब ऐसे करके भिंडियां फ्राई हो जाएंगी, ऐसे भी करना है तो वैसे भी करना है, भिंडियां को ठोक के फ्राई करना है, कोई लापरवाही नहीं इसमें होनी चाहिए। इसमें बढ़िया तरीके से, क्योंकि लेडीज है, हैंडल विद केयर, फ्रियाइल इज लेडी फिंगर। गाइस ओके। तो गाइस भिंडियां करे मैं जब प्यूरी डालने लगूंगा, दही डालने लगूंगा, मैं तद थानू मैसेज करता वा। चंगा गाइस वो समा आ गया वा जब ये हम इसमें प्यूरी डालेंगे। ऐसे करके हम प्यूरी इसके बीच में डाल देंगे, फिर इसको पूरी पानी से भर देंगे। ऐसे करके प्यूरी और पूरी आपस में मेल जोल खाना चाहिए, और कढ़ाई और स्पेक्टुला को कभी अलग नहीं करना क्योंकि एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं ये। स्पेक्टुला और कढ़ाई की बहुत पुरानी यारी है और बैली बना है इसका।
गाइस आज थोड़ी डिफरेंट स्टाइल की आज भिंडियाँ बन रही हैं। मुझे ऐसे क्यों लग रहा है, ये कोई थाई करी लग रही है मुझे ये। गाइस आज बहुत ज्यादा स्वादिष्ट आज भिंडियाँ बनने वाली हैं। गाइस कोई परवाह नहीं करनी है कि गाइस आज बहुत ज्यादा स्वाद बनने वाला है। गाइस मुझे लग रहा है मेरा दवाई वाला आ गया है, मैं आता हूँ। गाइस मैं यहाँ दवाई लेने आ गया और मेरा मसाला सड़ गया। गाइस ओ शिट मैन, मेरा मसाला सड़ गया। गाइस मैं इतना स्वार्थी क्यों होता जा रहा हूँ। गाइस मुझे लग रहा था पहले टमाटर भुनना था, फिर प्याज भुनना था, फिर भिंडियां भुननी थी, ये सारा कुछ कोई बिच भुन हो गया। लुक एट इज गुड। गाइस में दही भी डालना है, दही को भी थोड़ा ऐसे करके थोड़ा दही को भी डालना है बीच में। एक मिनट रुको यार। गाइस जब दही जाएगा इसके बीच में तो आनंद आएगा, क्योंकि दही से कहते ओके गलबात हो जाती है। ये हमने दही भी डाल दिया है। गाइस मुझे ऐसे क्यों लग रहा है जैसे मैं कोई पशु और डंगर और गाय के वास्ते कोई चारा बना रहा हूं, ऐसे क्यों लग रहा है। गाइस अब मैं इसमें क्रीम भी डाल दूं। सो गाइस लो इसमें अब हम क्रीम भी डाल देते हैं। सो गाइस इसमें मैं प्री वर्कआउट भी डाल दूं। गाइस ये लो क्रीम भी आपके कहने पे हमने डाल दी है। गाइस ये आ कैसे रही है, आई डोंट लाइक इज शेप, बहुत बुरे तरीके से आ रही है। गाइस देखते हैं आज बनता क्या है। प्रोटीन भी डाल दूं इसके अंदर, आपका ऐसा कहना है। गाइस देखना सही तुम कितनी स्वाद और ओके ओके टाइप बनेगी, टूट भी नहीं रहा है, ऐसे करना पड़ रहा है। गाइस बहुत स्वाद लगेगी आपको ये, सच में बता रहे हैं। गाइस मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मुझे अब पहले पास्ते लेना ले आना चाहिए और इसमें पास्ता भी फेंक देना चाहिए बीच में। ठीक है गाइस लेके आया। गाइस नूडल्स डाल दो इसके अंदर, इतनी घुटन काहे हो रही है मुझे बताएंगे क्या चल रहा है यहाँ। गाइस इसको बनने देते हैं, तब तक थोड़े ये खाते हैं चिप्स बारबेक्यू फ्लेवर नहीं ते। गाइस ये थोड़ा चिप्स मैंने ऐसे बकरी जी से पाड़ लिए हैं क्योंकि मेरी मिसेज भी ऐसे ही पाड़ती होती थी। बहुत आनंद आ रहा है। क्या बन गया है ये, गाइस मैं वापस आ चुका हूं। सब्जी बहुत ज्यादा स्वादिष्ट लग रही है, भिंडी मसाला शाही भिंडी विद अदरक की पेस्ट। गाइस बहुत ज्यादा रावत बने लगी है, मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा टेस्टी बन गई है। फोन बंद तो नहीं हो गया है, बंद तो नहीं हुआ है। गाइस इसकी ऐसे लगता है जैसे बंद हो जाता है फोन ये। गाइस ये देखो कितनी कैंट बन रही है। गाइस बहुत ज्यादा मजा आने वाला है यार। गाइस मेरे छोले भी पड़े हैं फ्रिज के अंदर, उसको भी मुझे गर्म करना है। गाइस बहुत ज्यादा टेस्टी बनने वाली है ये। कि मैं छोले डाल रहे हैं, ये देखो कितनी अच्छी बनी है। गाइस हम छोले डाल रहे हैं, छोले भी कल बहुत टेस्टी और बड़े दमदार और बड़े टिकाऊ बड़े फिट बड़े अनकंफर्टेबल से बने थे कल। अनकंफर्टेबल नहीं कंफर्टेबल। तो गाइस इसको भी गर्म कर लेना है, नाले फिर लगा लगा के ब्रेड के साथ इसको भी खा लेना है। ओके सो गाइस प्रवाह कोई नहीं करनी, मैं आपको दिखाऊंगा अब ये जब बन जाएगा सिस्टम बहुत वधिया तरीके दे नाल ओके करके बढ़िया हो गया। आज मैं अमीर हूँ, बहुत सब्जियों के साथ आज मैं खाना खा रहा हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? तो गाइस प्रेपरेशन के वक्त मिलते हैं। गाइस अब आपको दिखाता हूँ मैं कितने अच्छी बनी है।
भिंडी मसाला। मैं टीवी चलाना भूल गया हूँ और मुझे लगता है टीवी को भी ऑन करना पड़ेगा, काफी ये डिफिकल्ट टास्क हो जाता है, पखे से भी बचना होता है। गाइस बहुत ज्यादा स्वाद ते सब्जी बनी है, आप ये देखो गाइस क्वालिटी देखो जरा, ये देखो ब्रेड भी हैगी अपने कोल, कोई टेंशन गल ही नहीं हैगी। धरती पे बैठ के खाते हैं, धरती से जुड़ के रहते हैं, बढ़िया तरीके से सबकी इज्जत करते हैं, जो बदतमीजी करे उनको तुमक मुक्की करते हैं। तो गाइस लगाऊ खाने, बहुत बढ़िया बन गया है खाना, पता नहीं क्या बना क्या नहीं बना, मुझे नहीं मालूम है, समझ रहे हैं ना, नहीं मालूम है तो नहीं मालूम है, ओके वाले का क्या। तो ठीक है गाइस, गुड नाइट, अगले व्लॉग में मिलेंगे, टेक केयर। हूँ लगा मैं पाड़ने नूं।